வணக்கம் ஸ்ரீமதி சட்டாபடி ராய். थैंक यू सर. सर बजट ऐसा है देश के सब लोग इंतजार करते, गरीब इंतजार करते, ये सोच के थोड़ा तेल का दाम कम हो जाए, आलू का दाम कम हो जाए, मेडिसिन का दाम कम हो जाए, बच्चे बाबा माँ को थोड़ा सा अच्छा जिंदगी दे. मिडिल क्लास ये सोचते हैं पेंशन में कुछ टैक्स बेनिफिट हो जाए, कुछ बैंक का इंटरेस्ट बढ़ जाए, कहीं पेट्रोल का दाम कम हो जाए जिसमें बाइक लेके कोई ऑफिस जा सकते. अपर क्लास जो जिसके पास बहुत पैसा है वो सोचते हैं चलो कॉरपोरेट का जो लोन है वो कैसे माफ कर दिया जाए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कैसे बैंक से पैसा ले और बाहर भाग जाए. लेकिन इस बजट में ना बच्चे का बात किया, ना फार्मर का बात किया, ना देश का बात किया, दो दो स्टेट के सिर्फ बात हो गया. इसलिए जो हम लोग पी 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 मॉडल बोलते हैं ये बजट है बी बी बी, मतलब बीजेपी बचाओ बजट. ये बचाने के दो स्टेट को बचाने के चक्कर में ये बजट पेश किया गया. द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज आर बीइंग कवर्ड बाय यूजिंग पास्ट टेंस, डिलीवर्ड अ रिजल्ट एंड प्रोनाउंस्ड विद अ लॉन्ग टर्म ऑफ फ्यूचर टेंस. द ऑन द ग्राउंड ओनली द टेंशन ऑफ सफरिंग द पीपल एट द बॉटम स्टैंड अनचेंज्ड. Point number one, a question stand important. Does the government undertake assessment of last budget? Certainly the government do not. Because fact A, as in March 2023, Global Nutrition Report by the World Health Organization informed that 34.7% of children under 5 years of age are still affected, which is higher than the average of 21.8% in the Asian region. India has made no progress towards achieving the target of remaining malnutrition. Still, 17.3% of children under 5 years of age are affected from malnutrition, which is highest in the world. Same. Fact B, as per Global Hunger Index 2022 report, child mortality rate in India was 3.3%. On these two unfortunate facts, saw the development of two further unfortunate realities. First, the word children remain absolutely absent from the hour-long budget speech. Same. Second, the minority of women and child development has seen a magical increase of 2.5% in the budget allocation for the 2024 and 25. In 2014, we are told budget the education would increase to 6% on the GDP in 2024, despite the dropout rate in class 10 stood at 20.6% in 2023. Budget speech not only had a monitoring of on primary or higher education, but the allocation of education merely increased by 0.74% from the 2023-24, which is below 3% on GDP. Sir, in February 2024, before election, the focus was the GAN, Garib, Yuva, Annadata and Nari. Besides Niti Aayog, many other study reports inform that out-of-pocket health expenditure is one of the primary causes of household money problem, poverty for the people at low and middle income groups. In July 2024, GAN lost the focus. The health budget received only 1.7% raise from previous year, which is less than Indian budget. Sir, डायरेक्ट बेनिफिट्स कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मर जॉब क्रिएशन कुछ नहीं है. ब्लड फ्लड सब स्टेट में, वेस्ट बंगाल में नहीं होता है, हर साल होता है. हम लोग का चीफ मिनिस्टर नया जिंदगी देते, नया घर देते, इसमें वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं है. रेल के बारे में कुछ नहीं, कुछ बताएंगे कैसे. सिक्योरिटी का, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हाल ऐसा हो गया रेल के लिए, अगर कोई टिकट लिया, टिकट रेल का कंफर्म हुआ तो LIC एजेंट घर में आ जाते, क्योंकि आप एजेंसी कर लो, क्योंकि आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे, ऐसा हाल हो गया रेल का. टूरिज्म के बारे में आप हर स्टेट
स्टेट में कोई ना कोई टूरिज्म है जिसको आप सपोर्ट दे सकते हो, जिसको आप प्रमोट कर सकते हो, नहीं कुछ नहीं किया। अगर आप कश्मीर के बारे में बात करें, क्या किया? जब 370 हटे तो जो पुराने एमपीज है उसको याद होगा, सेंट्रल हॉल में हम लोग का कश्मीरी फूड देने के लिए स्टार्ट किए थे। लेकिन वो क्या था, तब लगा था अच्छा कश्मीरी फूड दे रहे हैं, मींस फीलिंग है उसके लिए, 370 हटा प्यार है, लेकिन उसको प्यार फीलिंग नहीं करते, उसको हिपोक्रेसी कहते हैं जो किया था गवर्नमेंट। अभी मैं बोलती हूँ सब एमपी के लिए, मुझे पता है आप बेल दबाएंगे, दबा रहे एमपी लैड, जो एमपी लैड हम लोग को मिलते हैं सर असेंबली के 70 लाख, जो अदानी अंबानी के एक महीने का ब्रेकफास्ट का पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, कैसे हम लोग डेवलप करें? और अगर आप एमपी लैड नहीं बढ़ाएंगे तो वोट लेकर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है? मैं खत्म कर रहा हूँ ये बता के, जो जो बीबीबी बीजेपी बचाओ बजट किया है, नेक्स्ट टाइम कभी देश बचाओ बजट भी करेंगे, इसी इंतजार और उम्मीद पे मैं मेरा बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।